व्हाट इज़ द फाइनेंसेस जो के इसमें इन्वॉल्व हैं, कितने फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं, कितनी फी है। तो बहुत महंगी क्वालिफिकेशन होगी क्योंकि इसके इतने सारे जो है ना वो फील्ड्स हैं और इसमें इतने ज़्यादा जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जनाब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मैंने लिखा हुआ, सी ए इज़ दी मोस्ट अफोर्डेबल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन पाकिस्तान। इसके पीछे एक रीज़न है, इसके पीछे ये रीज़न है जो आप लोगों को भी इसके ऊपर नज़र आएगी। सी ए के तमाम लेवल्स की आई कैप की रजिस्ट्रेशन फीस, आई कैप की एग्जामिनेशन फीस लिखी हुई है और नियर बियर की फीस लिखी हुई है। तो अगर आप देखें कि रजिस्ट्रेशन फी जो कि आपने वन टाइम आई कैप को जमा करानी है, डैट इज़ ओनली 17,500 जो आजकल चल रही है, इसमें इतनी जल्दी आई कैप जो है ना वो इंक्रीज़ नहीं करता। ए एफ सी के चार पेपर की एग्जामिनेशन फी है 18,200 रुपये और अगर आप ये कोर्सेज नियर बियर से करेंगे तो उसकी फी है जी 35,000 रुपीज़, राइट। अच्छा, के एफ के जो 9 पेपर्स हैं उसको आप लोगों ने देना है तीन तीन करके, यानी कि 3 दफ़ा एग्ज़ाम्स देने हैं। तो कैप का जो 3 दफ़ा आई कैप में अपीयर होने की फ़ीस होगी, डैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 45,000, राइट। 15,000 पे 3 दफ़ा आपने 1.5 साल में देना है, ठीक है। अब यहाँ पे नियर पीयर आपको एक पैकेज दे रहा है कि आप कैप के 9 के 9 पेपर्स नियर पीयर से सिर्फ 70,000 में पढ़ सकते हैं। और ये कैप के 9 पेपर्स नहीं है, इसके साथ एक स्किल्स डेवलपमेंट कोर्स भी है जो कि शायद मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, तो वो भी आपको इस 70,000 की फीस के अंदर ही मिलेगा, राइट। एंड दिस इज़ दी मोस्ट अफोर्डेबल फी जो कि आपको सी ए में भी कहीं पे नज़र आएगी। ऑनलाइन एजुकेशन में आपको पता है कि नियर पीयर जो है वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा होता है बच्चे को फी के अंदर और इस तरह के मामला में। अगर हम बात करें सी पैप की तो सी पैप के 3 एग्जाम्स होंगे क्योंकि हमने यहाँ पे सजेस्ट किया हुआ कि ये 6 पेपर हैं, आपने 2, 2 और 2 करके ये देने हैं। 45,000 अप्रॉक्सीमेटली इसमें अपेरेंस की फी है और 60,000 के जनाब ये 6 पेपर आप नियर पीयर पे पैकेज की फॉर्म में पढ़ सकते हैं, राइट। सिमिलरली एम एस ए 2 की फी और एम एस ए 2 में नियर पीयर से पढ़ने की जो फी है ये आपके सामने लिखी हुई है। आई कैप एनुअल सब्सक्रिप्शन लेते हैं हर स्टूडेंट से जिसके अगेंस्ट वो कुछ बहुत सारी फैसिलिटीज बच्चों को देते हैं, बच्चों के लिए फ्री क्लासेस कराते हैं, बच्चों के लिए मंथली मैगजीन होता है और इस तरह की तमाम चीज़ें जो है ना वो करते हैं और उसके अगेंस्ट वो एनुअल सब्सक्रिप्शन आपसे परचेज करते हैं। और ये एनुअल सब्सक्रिप्शन 14,000 रुपये आप समझ लीजिए कि 6 ईयर्स की है जो मैंने लिखी हुई है, अप्रॉक्सीमेटली 2,000 पर ईयर आपने आई कैप को जमा कराना होता है एनुअल सब्सक्रिप्शन की मद में। तो आई कैप की जो टोटल फीस है डैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 169,700, यानी कि 1,70,000 रुपये के करीब आई कैप की फीस है और उन पेपर्स को पढ़ने की फ़ी 200,000 टोटल नियर पीयर के ऊपर है। और ये फीस आपने सारी इकट्ठी नहीं देनी, आपने ये फीस पूरे 5 to 6 ईयर के टेन्योर में पे करनी है, राइट। अभी आप रजिस्ट्रेशन जमा करा देंगे और उसके बाद नियर पीयर से जो है ना वो पढ़ना शुरू कर देंगे, तो दिस इज़ जस्ट योर टोटल एक्सपेंस और ये सबसे ज़्यादा है। इसके बाद आपने कभी ज़िंदगी में इतने पैसे सी ए वालों को नहीं देने। आप जब अपीयर होंगे आपने 18,200 रुपये आई कैप को जमा कराने हैं अब से 3 महीनों के बाद। जब आपका वो पेपर पास हो जाएगा तो आपने 70,000 का पैकेज नियर पीयर से परचेज कर लेना है और उसके बाद जो है वो आपने जब भी आई कैप में अपीयर होना है 15,000 के फॉर्म। तो ये 5 से 6 साल का खर्चा है और इस इतनी फी में कोई भी और क्वालिफिकेशन यू कैन नॉट डू एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विच इज़ ऑफ एनी वैल्यू एट लीस्ट, जो कि इतनी वैल्यू को कोई भी कितनी भी वैल्यू हो क्यों ना देती हो।